नहीं, आपको एग्जांपल नंबर 19 दे रखा है, क्या कह रहा है, अ रॉड एवी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक रॉड है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, ठीक। जैसे आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, और आपसे कह रहा है एक रॉड है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, सपोज ये, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट है इसका जो एंड पॉइंट है और बी वाई एक्सिस पर एंड पॉइंट है। आपसे कह रहा है अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज टेकन ऑन द रॉड इन सच अ वे दैट एपी सिक्स, एक पॉइंट पी दिया गया है पी एक्स कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट है इस तरीके से कि एपी सिक्स है, तो बीपी कितना होगा बेटा 9, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 15, इसीलिए 6 दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ए को क्लोज लिया है, ये जो पी पॉइंट है इसको ए के क्लोज लिया है, बीच से भी थोड़ा इधर ही आएगा, ठीक है, वो 9 ये 6 है। आपसे कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ पी इज एन एलिप्स, लोकस का मतलब है कि आपको शो करना है कि जो ये पी पॉइंट है ना जो मूव करेगा तो वो कैसा पाथ बनाएगा एलिप्स का, मतलब आपको एक तरीके से यहां पर जो इक्वेशन लेके आनी है वो एलिप्स की इक्वेशन लेके आनी है, समझ गए। और एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर x एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री होगी, और y एक्सिस की होगी तो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, कुछ भी आ जाए दोनों में से कोई भी इक्वेशन बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके दो परपेंडिकुलर डाल दो दोनों पर, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर, मान लीजिए इनका नेमिंग कर दिया m और n, तो बेटा आप मान लो कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये जो लाइन है वो मैंने इसके परपेंडिकुलर डाली है, लेकिन ये NP जो होगा वो OM के कैसा होगा, पैरेलली तो होगा, ठीक है, पैरेलली तो होगा, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले ट्राइंगल में ले जाएंगे, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या है इन ट्राइंगल। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, अगर ये P पॉइंट है x कॉमा वाई है, अगर मैं आपसे पूछूं ये OM डिस्टेंस कितनी है तो बता सकते हो, OM x, क्यों, अरे x कॉमा y का मतलब ये यहां से ओरिजिन से लेके कितना कितने कितनी डिस्टेंस तक चला ये x तक। अगर मैं आपसे पूछूं PM कितनी है तो बता दोगे, y, जो कि y है इसका, y y एक्सिस पर y तक चलाई है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी, ये OMX हो जाएगी, और अगर ये x है तो ये PN कितनी होगी, वो भी x होगी। अब देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं इन ट्रायंगल BPN, BPN में अगर बात करें बेटा थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस दे रखा है हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, cos थीटा b upon h, cos theta बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितनी है 9, सबको समझ में आ रहा है। अगेन इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं ट्रायंगल APM, बेटा थीटा के अकॉर्डिंग हमको परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेन्यूज दिया है, यहां 90 डिग्री होगा ना, इसीलिए यहां भी 90 होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा इसमें, साइन थीटा पी अपॉन एच और साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है बेटा वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है 6। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन थीटा कितना है वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, यानी 36 हो जाएगा, साइन है ना y अपॉन 6 तो स्क्वायर करने पे, और कॉस कितना है x अपॉन 9 तो स्क्वायर हो जाएगा, बेटा सीधा करके लिख दो
एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, और ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। देयरफॉर लोकस ऑफ पी कैसा हो गया, एलिप्स, मतलब पी के द्वारा बनने वाला पाथ कैसा हो गया, एलिप्स का। ये लीजिए, हेंस ट्रू, पूरा नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। एग्जांपल जो रह गया था वो कराया है।